नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे राशियों का स्वामी व राशि का स्वामी कहां परम उच्च का होता है और अंश आदि का विभाग के बारे में आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे। आशा है कि ये वीडियो आपका एस्ट्रोलॉजी का ऊपर जो नया नया एस्ट्रोलॉजर से जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। ऐसे तो YouTube में हजारों वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन बेसिक से जो एस्ट्रोलॉजी शुरुआत है ये सब बेसिक है। ये सब का बिना एस्ट्रोलॉजी का जो महासागर है उसको उसमें उतरने में आदमी को बहुत सी कष्ट होती है और वो बाद में समझने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आज हम राशियों की स्वामी और परम उस कहाँ पर होता है और परम उसका अंश आदि का आदि के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया नया जुड़ना शुरू हुआ है वो लोग कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में एक बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दे ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए आज हम राशियों की स्वामी और परम उस अंश के ऊपर बात करेंगे। देखिए, मंगल शुक्र बुध चंद्र सूर्य और मंगल गुरु शनि और गुरु ऐसे करके मेष से लेकर मीन तक ये मेष आदि 12 ही राशियाँ के स्वामी होते हैं। ठीक है, और एक बार बोल देता हूँ, मंगल शुक्र बुध चंद्र सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु शनि व गुरु ये मेष से लेकर मीन तक राशियों के अधिपति होते हैं। नवांश की भी यही राशियाँ अधिपति होते हैं। इस राशि में उसका होता है, चंद्र वृषभ राशि में उसका होता है, मंगल मकर में उसका होता है और बुध कन्या में उसका होता है, गुरु कर्क में उसका होता है, शुक्र मीन में उसका होता है और शनि तुला में उसका होता है। और इसी तरह जो ग्रह जिस राशि में उच्च का हुआ है उससे सातवीं राशि में वो ग्रह नीच का होता है। जैसे कि अगर चंद्रमा वृषभ में उच्च का हुआ तो उससे सातवीं राशि पड़ेगा वृश्चिक राशि और वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होगा। ऐसे ग्रह जहाँ पर उच्च का होता है उससे 180 डिग्री में जो सातवीं राशि आता है वहाँ पर वो ग्रह नीच का होता है। देखिए, उस राशियों में सूर्य 10 अंश तक, ठीक है, उस राशियों मेष में सूर्य 10 अंश तक और चंद्रमा में चंद्रमा वृष राशि में 3 अंश तक और मंगल मकर में 28 अंश तक और बुध कन्या में 15 अंश तक और गुरु कर्क में 5 अंश तक, शुक्र मीन में 27 अंश तक परम उच्च का होता है। शनि पर्यंत सातों ग्रहों का मूल त्रिकोण राशि क्या क्या है? देखिए, सिंह वृष मेष कन्या धनु तुला और कुंभ ये सब है मूल त्रिकोण राशि। सूरज का 20 अंश तक सिंह राशि में मूल त्रिकोण राशि का है और बाकी 10 डिग्री जो है वो सौ राशि का होगा। इस तरह चंद्रमा का वृषभ राशि में 27 अंश तक मूल त्रिकोण राशि में रहेगा और मंगल मेष राशि में 12 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि में रहेगा और बुध 5 डिग्री तक कन्या राशि में मूल त्रिकोण राशि में रहेगा और गुरु 10 डिग्री तक धनु राशि में मूल त्रिकोण राशि में रहेगा और शुक्र 15 डिग्री तक तुला राशि में मूल त्रिकोण का रहेगा तथा शनि 20 अंश तक अपने कुंभ राशि में मूल त्रिकोण का होता है। चंद्रमा वृष में पहले 3 अंश तक उच्च का तथा बाद का 27 अंश तक मूल त्रिकोण राशि का होता है। ये समझने वाली बात है। वृष राशि में
चंद्र देवता पहले 3 डिग्री तक उसका रहेगा, उसके बाद 27 अंश तक सौ राशि का सॉरी मूल की कौन राशि का रहेगा, और सौ राशि चंद्रमा हमेशा कर्कट राशि में रहेगा। इस तरह बुध कन्या में पहले 15 अंश तक उच्च का रहेगा, फिर 15 से 20 अंश तक मूल त्रिकोण राशि में रहेगा, तथा शेष भाग जो है वो स्वगृही रहेगा। और राहु और केतु कन्या और मीन में सौ राशि माननी चाहिए, सौ राशि का रहेगा, और तथा राहु और केतु कुंभ व सिंह राशि में मूल त्रिकोण का होता है। ये आज हमने समझा कि मूल त्रिकोण राशि का और कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है, कहाँ मूल त्रिकोण राशि में होता है और कहाँ ग्रह सौ राशि का होता है। आप भी आप लोग अपने कुश्ती में कुंडली में ये सब लगाइए, देखिएगा कि जब हम फलित करते हैं ये मूल त्रिकोण राशि सौ राशि उस राशि नीच राशि का बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।